चलिए आज की क्लास में हम सेंटर अलाइनमेंट वाले पैटर्न्स को भी देखेंगे। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंटर अलाइनमेंट वाले पैटर्न्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जिसमें सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है। ये काफ़ी सिंपल होता है इसका कोड करना, और सेंटर अलाइनमेंट जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, मैं इनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ ताकि आपको इसका पैटर्न या आउटपुट आपको समझ में आने लगे कि किस तरीके से इसका आउटपुट देखना है। तो आप ये सेंटर अलाइनमेंट वाली चीजें देख रहे हैं अभी। आप अगर आप ऐसा बनाएंगे तो इसके आप इससे आप ट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री का जो पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये लॉजिक है, ये जो लूप है, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज चले जाइए, जावा, PHP, ASP, JSP, C, C++, VB, VB.NET, कोई भी लैंग्वेज में चले जाइए, ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, केवल सिंटैक्स चेंज होता है। क्लियर है? तो हम मान लीजिए ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रो की संख्या 5, कॉलम की संख्या 5, पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर भी ये दो टाइप के कॉलम्स लगेंगे, एक में स्पेसिंग होगी और एक में बढ़ेगा, ये लेफ्ट स्पेसिंग है। तो निश्चित से बात है कि अगर दो टाइप के यहाँ पर अगर राइट अलाइनमेंट है तो तीन लूप लगेगा। पहला जो है आपका रो के लिए रहेगा, कॉलम के लिए C1 और C2 रहेगा। और इसको हम फिर से ऐसे समझते हैं कि ये जो पैटर्न है इसको हम कैसे इमेजिन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पैटर्न है ये भी सेम आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये पैटर्न को आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये एक बॉक्स है, और इसको आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल वाला पैटर्न है, ये एक ट्रायंगल वाला पैटर्न है, और ये एक ट्रायंगल वाला पैटर्न है। तो आपको यहाँ पता है कि ये जो साइड में ट्रायंगल है इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद का पूरा स्पेस तो खाली ही है। तो हमको फिर से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बनाना है, जबकि ये वाला ट्रायंगल हम बना चुके हैं। ये वाला ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया था, सेंटर से जा रहा था, राइट अलाइनमेंट था। अब उसको थोड़ा सा राइट की तरफ खसकाना है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल ऐसा है, ये इसको आप ट्रायंगल बनाइए, एक ऐसा या फिर एक ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है ब्लैंक वाला, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इधर वाले की कोई मीनिंग नहीं है। ये वाला ट्रायंगल आप बना चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल आप बना, तो इस तरीके से मिक्सअप करके आप बना सकते हैं। तो अगर आप ये 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल और ये 3rd ट्रायंगल, तो कॉलम के लिए C1 C2 C3 ऐसा चलाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, C1 C2 C3 ना चला करके आप बिल्कुल शॉर्टकट टेक्निक से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट टेक्निक ये मैं बता देता हूं कि अगर आप ये वाला पैटर्न प्रिंट करा पाए हैं, तो इनके बीच में अगर ये दो टू है, इनके बीच में अगर स्पेस दे देंगे, तो ये जो टू है वो इधर खसक जाता है। क्लियर है? तो आप जब यहाँ पर ये प्रिंट करा रहे हैं, तो इनके बीच में आप स्पेस दे दीजिए। स्पेस देने के लिए आपको क्या करना है, स्पेस देने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए NBSP को। NBSP हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि आपका फॉन्ट यहाँ थोड़ा बढ़ा हुआ है, और बड़े होने की वजह से यहाँ पर NBSP जो है वो दो दो बार ले रहा है, इसलिए NBSP और फिर R की वैल्यू ले लिए हमने। क्लियर है? तो NBSP लेने के बाद R लिया है, और क्योंकि यहाँ पर BR नहीं लगा है इसलिए एक ही लाइन पर आएगा। केवल हमने क्या किया, एक NBSP यहाँ पर ऐड किया है, और ये वाला पैटर्न देखिए जादुई तरीके से ऐसा सेंटर अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर R के बदले आपको C2 लिखना है, C2 लिखिए, तो आपका ये वाला पैटर्न बन गया जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला। या फिर यहाँ पर स्टार लिख दीजिए, स्टार पैटर्न क्रिएट होगा आपका। और जब आप इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डॉलर लगा हुआ है, जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार पैटर्न वाला ये आपका ट्री दिखाई देगा। क्लियर है?
अब ऐसा ट्री आप एक लूप लगा करके ऐसा बार बार ट्री क्रिएट कर दीजिए, एक ट्री फिर इसके नीचे एक ट्री फिर इसके नीचे एक ट्री, ऐसा भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव और आई प्लस प्लस, ये मैंने एक लूप लगा दिया। और लूप लगाने के लिए आपको यहाँ पर डॉलर आई लगाना पड़ेगा और यहाँ पर डॉलर लगाना पड़ेगा सबके सामने। तो मैंने इसी लूप को बार बार चला दिया ताकि क्रिसमस ट्री जैसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाए। और साइज यहाँ पर थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि चार पांच बार जो है यहाँ पर आज के हुए दिख जाए आपको। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चार पांच बार मैंने लिखा है। और अब मैं इसको रन करूंगा तो बिल्कुल सिंपल सा ट्री जो है आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। देखिए बार बार मैंने पैटर्न प्रिंट किया और आप काफी आसानी से इस तरीके के डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने कई टाइप के लूप्स आज यहाँ पर बनाए, और लूप के लिए हमने नेस्टिंग का यूज किया। स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल है, आपको ये स्ट्रक्चर को भूलना नहीं है। और एक थंब रूल मैंने आपको बताया है कि अगर लेफ्ट अलाइन वाला कोई भी पैटर्न है तो इसमें दो लूप होंगे, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन वाले हैं तो तीन लूप होंगे। क्लियर है? तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।